PHP CRUD ऑपरेशन के 13 वीडियोस को अब तक हमने कवरअप कर लिया है और उन वीडियोस के अकॉर्डिंग इस डेटा को हमने डेटाबेस में सेव कराया और इसे डिस्प्ले कराया। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको ये भी बताया था कि इसके अंदर प्राइमरी की का यूज़ हम कैसे करेंगे एंड क्या क्या उसके फ़ायदे हैं। अगर आपने इस सीरीज़ को अब तक फॉलोअप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को फॉलोअप कर सकते हो और बाकी वीडियोस को देख सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में बताऊंगा, कैसे आप अपने डेटाबेस में ऑटो इंक्रीमेंट को इम्प्लीमेंट करोगे, क्या उसके फ़ायदे हैं, कोड में क्या चेंजेस करना पड़ेगा, किस तरीके से उसके कारण हमें उसको डिस्प्ले कराना पड़ेगा। ये सारा ही कुछ हम यहाँ पे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको और एक प्रॉब्लम भी समझाता हूँ, फिर देखते हैं उसका सोल्यूशन क्या है। मेरे पास एक वेब पेज है। देखो, जिस कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे तो 8000 बच्चे पढ़ते थे एक बार में, 8000 की स्ट्रेंथ थी। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल, जो एडमिशन के लिए क्लर्क वहाँ पे बैठा हुआ है आपके ऑफिस के अंदर, वो बच्चों की एंट्री या पास करता है। जब भी आप एक एडमिशन फॉर्म उसको देते हो, राइट, वो फटाफट से आपकी एंट्री पास करता है और लास्ट में कुछ दिनों के बाद आपका एक रोल नंबर आता है। तो व्हाट यू थिंक कि आप आए, सर मुझे एडमिशन लेना है, इसमें ये रहा मेरा फॉर्म, तो क्या वो आपकी एंट्रीज पास कर देता है फॉर्म से देख करके? जी हाँ, वो ऐसे एक फॉर्म में आपकी एंट्रीज को पास करता है। तो क्या वो आपका रोल नंबर भी यहाँ फिल करता होगा? देखो, कहना आसान है। एक क्लास में हमारे केसेस में 60 स्टूडेंट अलाउड थे, ठीक है? तो क्या वो फर्स्ट सेक्शन के अंदर, सेकेंड सेक्शन में फिर से 60, थर्ड सेक्शन में फिर 60, तो क्या वो याद रखेगा कि हाँ भाई बीटेक के लिए एक बच्चा आया, उसको रोल नंबर 33 दिया था, अगली लाइन में जो बच्चा लगा हुआ था वो एमसीए में एडमिशन मांग रहा है, उसको रोल नंबर 2 दे दिया, फिर बीकॉम के लिए कोई आ गया, ऐसे करते करते 50-60 चीज़ों का आ गया और अचानक से फिर एमसीए का बच्चा आ गया। तो क्या उसको याद रहेगा कि लास्ट जो मैंने एमसीए वाले बच्चे को रोल नंबर एलोकेट किया था वो रोल नंबर 3 था और मुझे अभी आए बच्चे को रोल नंबर 4 प्रोवाइड करना है? हो सकता है याद हो, जैसे मैंने अभी याद रखा। इसके बाद और 25-30 बच्चे आ गए, फिर अचानक से एमसीए का बच्चा आ गया। क्या उसको याद रहेगा इतने बीच में कि भाई अब रोल नंबर 5 देना है? बिल्कुल नहीं। हर एक क्लास के लिए वो याद नहीं रख सकता ना, और इतना टाइम भी नहीं है उसके पास कि वो डेटाबेस में जा करके या डिस्प्ले के पेज पे जा करके चेक करने बैठे कितने बच्चों की एंट्री हो गई है, उसके बाद में अगले की एंट्री पास करूँ। ये टाइम वेस्टेज वाला काम है। दूसरी चीज़, अगर वो ऐसा करता भी है, अगर वो यहाँ पे, आप बोलोगे क्या इशू है, यहाँ पे एक रोल नंबर का फील्ड बना दो, रोल नंबर भी एंट्री ले लेंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ उसमें ये प्रॉब्लम आएंगी। मान लो 33 नंबर का रोल नंबर उसने एलोकेट किया था, 34 लिखते टाइम उसने गलती से 33 टाइप कर दिया, तो 2 बच्चों को यहाँ पे एलोकेट हो जाएगा रोल नंबर 33। ये भी एक प्रॉब्लम है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे तो ये कौन सी बड़ी बात है, रोल नंबर को हम प्राइमरी की बना देंगे, लास्ट लेक्चर में ही तो पढ़ा था। तब रोल नंबर को प्राइमरी की बना दोगे तो वो एक अच्छा ऑप्शन है और आपकी सोच बिल्कुल सही है, क्योंकि एक क्लास में 2 बच्चों के रोल नंबर सेम नहीं होंगे किसी भी केस में, तो आप यहाँ पे प्राइमरी की के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हो। बट अगर प्राइमरी की यूज़ नहीं करना है तो क्या करोगे? क्योंकि वहाँ पे आधार कार्ड के डिटेल भी होंगे, फ़ोन नंबर भी होगा, बैंक अकाउंट डिटेल भी हो सकता है, तो हम आधार कार्ड को प्रीफर कर सकते हैं कि इसको प्राइमरी बना दिया जाए। बट आप रोल नंबर के थ्रू भी जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टाइपिंग मिस्टेक जो है वो हो सकता है और यहाँ पे मुझे वो सब नहीं करना, ना ही मुझे खुद से यहाँ पे एंट्रीज पास करानी है, क्योंकि यहाँ पे इशू वही बहुत बड़ा है। 1000 बच्चों की एंट्री हो गई तो वो देखते थोड़ी जाएगा बार बार कि अगले बच्चों को क्या रोल नंबर देना है। तो इस चीज़ से और इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक सोल्यूशन हमारे पास PHP के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या नाम है उस सोल्यूशन का? उस सोल्यूशन का नाम है आपका ऑटो इंक्रीमेंट। अब ये ऑटो इंक्रीमेंट क्या करेगा? इसके अंदर मुझे यहाँ पे रोल नंबर को फॉर्म में फिल कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक तरीके से डेटाबेस में स्टोर होगा। पूरा नाम क्या हुआ इसका? ऑटो इंक्रीमेंट। और जैसे ही आप अगली एंट्री पास करोगे वो इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर लास्ट टाइम किसी क्लास में बच्चे को 34 दिया था तो अगली बार वो खुद ही 35 पिक करेगा, तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, और आप चाहो तो साथ में उसको प्राइमरी की भी लगा सकते हो। डिटेल में इसको हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो और आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainreascer.com पे आकर के उन सर्विसेज को सिलेक्ट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको वेब होस्टिंग एंड डोमेन नेम की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसके जरिए आप अपने वेबसाइट को ऑनलाइन लेकर के आ सकते हो। आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी, पीओ और एसएसडी का डिस्क स्पेस प्रोवाइड करते हैं। एसएसएल सर्टिफिकेट आपको फ्री मिलेगा, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम सर्वर आपका फास्ट रहने वाला है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होकर के 249 रुपीज़ पर मंथ तक प्राइसेस वेरी करते हैं। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड एसएसडी की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम एसईओ टूल आपको फ्री मिल जाता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। और इन तीनों ही प्लान में आपको प्रीमियम एसईओ टूल फ्री मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। बेसिक प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainreascer.com पे आकर के प्लान्स को सेलेक्ट कर सकते हो। तो प्रैक्टिकली यहाँ पे हम लोग समझते हैं अब हमें चेंजेस क्या करना है। देखिए, सबसे पहला तो आपको ये समझ में आ चुका होगा यहाँ चेंज है, और मैंने बता दिया कि डेटाबेस में भी चेंज करना है। अब मुझे यहाँ पे एक फील्ड बनानी पड़ेगी, आईडी या रोल नंबर। ये आपको हर एक टेबल में बना लेना चाहिए, भले ही रोल नंबर एलोकेट ना करना हो, बट फिर भी आप यहाँ पे आईडी नाम से एक फील्ड ज़रूर क्रिएट करें अपने प्रोजेक्ट्स में। उसको भले ही डिस्प्ले मत कराओ अगर रिक्वायरमेंट नहीं है, बट एंट्रीज़ को पहचानने के लिए यहाँ पे आईडी ज़रूर क्रिएट करें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में जाएंगे और मैंने कहा एक फील्ड इंसर्ट करना है। कहाँ इंसर्ट करना है? सबसे पहले एट द बिगिनिंग ऑफ द टेबल, गो पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका नाम प्रोवाइड करें। तो मैंने यहाँ पे कह दिया इसको आईडी रख लो, रोल नंबर रख लो, फ़र्क नहीं पड़ता, इंटीजियर ही रहेगा क्योंकि इसके अंदर हम नंबर्स को एलोकेट करेंगे। लेंथ आप खाली छोड़ सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता 100 एडमिशन होंगे, 200 होंगे, 10,000 होंगे, अपनी मर्जी से अगर ज़्यादा लिख दूंगा तो स्टोरेज वेस्ट होगा। इंटीजियर 2 बाइट्स कंज्यूम करता है, तो अगर आप 10,000 दे दोगे तो 20,000 बाइट्स कंज्यूम हो जाएगा आपका, ऑलमोस्ट आपका 18 से 20 MB। तो ये भी नहीं करना ना। अगर ये आपको ब्लैंक अलाउ करे तो बिल्कुल आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। साइड में आपको तो नीचे गो का ऑप्शन मिल रहा होगा लेटेस्ट वर्जन में, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा AI। जब आप इसको साइड में स्क्रॉल करोगे, किसी रीज़न से आप साइड में स्क्रॉल नहीं कर पा रहे हो तो कंट्रोल- या कंट्रोल माउस व्हील से आप इसको जूम कम कर सकते हो और ये AI का ऑप्शन आपको दिखेगा। मेरे केस में मुझे साइड में दिखाई दे रहा है, तो मैं इस AI के ऊपर आकर के क्लिक करूँगा। ये बेसिकली आपका ऑटो इंक्रीमेंट होता है और साथ में प्राइमरी की ये लगा देता है। इससे क्या होगा, इससे एक एडवांटेज ये होगा कि आपका जो प्राइमरी की है ना, क्योंकि इसमें प्राइमरी की लग गया तो 2 लोगों के रोल नंबर मैच नहीं करेंगे, बट क्योंकि हमने एक टेबल में ऑलरेडी एक प्राइमरी की लगा रखा है तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। सो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और इसको खाली छोड़ देता हूँ। सिंपली मैंने इसको सेव किया, तो फ़िलहाल के लिए ये मुझे एक एरर दे रहा है और ये मुझे प्राइमरी की के कारण ही एरर दे रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ इसको। खैर कोई बात नहीं, हम आते हैं ब्राउज़ के ऊपर जा कर के बैक, और अपने प्राइमरी की को पहले तो हम रिमूव कर लेते हैं। यहाँ से आपको डायरेक्ट ऑप्शन नहीं मिलता, आप जाओगे SQL पे। SQL पे आने के बाद आपको लिखना है ड्रॉप प्राइमरी की, और यहाँ पे आपको गो कर देना है। अगेन एक एरर, कुछ मिस्टेक है। कोड आपका बनेगा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारे केस में, आई थिंक फॉर्म। फिर आएगा आपका ड्रॉप प्राइमरी की और सेमीकोलन। गो पे क्लिक करते हैं तो प्राइमरी की मेरा यहाँ से रिमूव हो गया। अब मैं स्ट्रक्चर में जा कर के देखूँ तो यहाँ से लॉक का सिंबल हट चुका है और यहाँ से भी हमें चेंजेस देखने को मिल रहा है। अब अगेन आते हैं हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर में और एट द बिगिनिंग एक फील्ड इंसर्ट कर लेते हैं। गो पे क्लिक किया मैंने, आईडी एलोकेट किया, इंटीजियर खाली छोड़ दिया, ऑटो इंक्रीमेंट को टिक लगाया, प्राइमरी की को टिक रहने दिया, सेव के ऊपर क्लिक किया। तो अब ये सक्सेसफुली हो गया। तो मेक श्योर आप वहाँ से प्राइमरी की को हटा दो और यहीं पे रहने दो। कुछ लोग सोच रहे होंगे लेकिन अब तो ईमेल एड्रेस मैच करेगा, तो मैंने कहा कि अभी मेरा फोकस वो नहीं है। मैंने डेमो में जो दिखाया उससे काफ़ी ज़्यादा ही करा दिया है, वो हम अगली सीरीज़ के अंदर डिटेल में कवर अप करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आकर के देखूँ तो ये फील्ड मुझे वापस दिखाई दे रहे हैं। आप देखो ये आईडी अपने आप एलोकेट कर रहा है, और अगर मैं स्ट्रक्चर में आकर के आपको दिखाऊँ तो आईडी जुड़ गया, प्राइमरी की जुड़ गया, ऑटो इंक्रीमेंट जुड़ गया। यहाँ पे आकर के ब्राउज पे जाकर के हम देखें, और मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। सी दिस, आईडी 1 2 3 4 5, ये अपने आप एलोकेट करके देगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। मैं आता हूँ अपने पेज के अंदर और यहाँ पे एक न्यू बच्चे की एंट्री पास करता हूँ, गार्बेज पास कर देता हूँ मैं। यहाँ पे एक यूज़र का कमेंट भी आया था कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड सेव नहीं है, फिर भी अंदर डेटाबेस में इंसर्ट हो गया। तो हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने इसकी वर्किंग के ऊपर काम नहीं किया है। ये भी नेक्स्ट प्लेलिस्ट के अंदर ही पढ़ाऊँगा, इस प्रोजेक्ट में नहीं करा रहा मैं उसको कवरअप, ठीक है। मैंने एक एंट्री पास की और यहाँ पर कहीं भी रोल नंबर नहीं है। अब एक एरर जनरेट होगा जहाँ तक मुझे याद है। नीचे देखते हैं तो आपको कहेगा फेल्ड, कि भाई मैं इंसर्ट नहीं करने दूंगा। अब आप कहोगे ये क्या इशू है, ये तो ऑटोमेटिक तरीके से 1 2 3 4 आ रहा है, इसमें तो कोई छेड़छाड़ हमने की ही नहीं है। यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूँ तो डिस्प्ले में तो कोई इशू नहीं है, ये सही तरीके से काम कर रहा है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम शुरू होती है तब जब आप ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हो विद प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट का यूज़ करते हो। तो ये जो है ना इंसर्ट वाले पेज में आपके फॉर्म में, अब ये नॉर्मल कोड से आप यहाँ पे इंसर्ट नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? यहाँ पे फिर आपको आईडी भी तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेटाबेस में देखो क्या चीज़ है। डेटाबेस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फील्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे तो मैं 8 को ही इंसर्ट करा रहा हूँ। अब क्योंकि ये प्राइमरी की लगी है इसमें, तो क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने लास्ट वीडियो में, इट कैन नॉट बी एम्प्टी, खाली इसको हम नहीं छोड़ सकते। और क्योंकि मैं प्राइमरी के अंदर कोई वैल्यू दे ही नहीं रहा यहाँ पे, तो खाली छूट गया। तो एरर तो ये आपको देगा, और खुद से तो मुझे यहाँ पे रोल नंबर फिल करना ही नहीं है, वरना ऑटो इंक्रीमेंट का क्या एडवांटेज मिलेगा मुझे, राइट। तो ये जो एंट्री है ना, ये हो गई यहाँ पे फॉल्स। मुझे ये एंट्री पास नहीं करना, क्योंकि इस एंट्री में आपको सारे फील्ड के नेम बताने पड़ते हैं और यहाँ पे मैं आईडी नहीं बताऊँगा। तो मैंने कहा इंसर्ट इनटू फॉर्म, क्या इंसर्ट कर, किस फील्ड के नाम क्या है। तो आप यहाँ पर लगा दो वैल्यूज से पहले ये पैरेंथेसिस या फिर गोल वाले ब्रेसेस, ठीक है। अब एग्जैक्टली आपको ये स्पेलिंग्स को मैच करते हुए चलना है। आईडी हम नहीं देंगे, ठीक है, फिलहाल के लिए। एफ नेम, एल नेम, पासवर्ड। मैंने कहा यहाँ पे एफ नेम कॉमा एल नेम कॉमा पासवर्ड। इसके बाद क्या है हमारे पास, सी पासवर्ड, जेंडर, ईमेल, कॉमा सी पासवर्ड कॉमा जेंडर कॉमा ईमेल, ये मैंने प्रोवाइड किया। इसके बाद क्या है मेरे पास, फ़ोन एंड एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे आकर के कहा फ़ोन कॉमा एड्रेस। अब देखो इस क्वेरी का क्या मीनिंग बना। मैंने कहा भाई इंसर्ट कर, किस में इंसर्ट कर, फॉर्म नाम के टेबल में इंसर्ट कर। क्या फील्ड्स हैं जिसमें वैल्यू इंसर्ट करनी है? मैंने कहा जो पहली वैल्यू इंसर्ट करेगा ना, वो एफ नेम में इंसर्ट करना, उसके बाद एल नेम में इंसर्ट करना, फिर पासवर्ड में। अब उसके बाद सारा ख़त्म होने के बाद मैंने कहा इन फील्ड्स के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पास कर। नीचे का तो सेम ही है जो हमने टाइप किया वो वाला। तो पहले में एफ नेम, दूसरे में एल नेम, ये स्पेलिंग्स के बड़े मिस्टेक किए हैं मैंने। फिर आ जाएगा पासवर्ड, ये जो पासवर्ड है मैंने बताया ये यहाँ से मैच कर रहा है। नीचे PWD को इग्नोर करे, वो मेरा वेरिएबल है। फिर हमारा सी पासवर्ड जो डेटाबेस से मैच कर रहा है, उसके बाद है जेंडर, फिर है ईमेल, जेंडर, ईमेल, फ़ोन एंड एड्रेस, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग मैंने कहा वैल्यूज़ को पास कर। अब ये क्या करेगा, अब ये आईडी को इग्नोर करेगा। पहले इसको वैल्यूज़ कम मिल रही थी कि बाहर अंदर तो 9 फील्ड्स हैं, लेकिन तुम मुझे 8 इंसर्ट करा रहे हो। अब मैंने कहा भाई इंसर्ट ही 8 करनी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आकर के, मैं रिफ्रेश नहीं कर रहा इसको, इस हैश वैल्यू को मैंने यहाँ से हटाया और एंटर प्रेस किया, फिर से गार्बेज वैल्यू पास कर रहा हूँ। पास करने के बाद मैंने यहाँ रजिस्टर पर क्लिक किया। नीचे देखो एक मैसेज आया मेरे पास, डेटा इंसर्टेड इनटू डेटाबेस। यहाँ पे मैं आता हूँ अपने डेटाबेस में, रोल नंबर 5 तक की एंट्री थी। ब्राउज पे मैंने एक बार क्लिक किया, ये आ गया रोल नंबर 6। गार्बेज एंट्रीज यहाँ पे मेरे सामने आ चुकी है। इट मीन्स जितने भी स्टूडेंट आएंगे, ये क्या करेगा, उसको न्यू एलोकेट करता चलेगा आईडी या रोल नंबर या एम्प्लॉय आईडी, जो आप कह लो। यहाँ पे आ गया आपका न्यू स्टूडेंट। छोटा सा फॉल्ट और है, यहाँ भी मुझे आईडी दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे मेरी रिक्वायरमेंट है कि बच्चे की आईडी भी चलो दिखा ही देते हैं, तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है वो। हम जाएंगे हमारे डिस्प्ले वाले पेज में, और ये जो हमने स्टैटिक पोर्शन बनाया था फर्स्ट नेम, कॉपी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ। पहली फील्ड बना लेता हूँ मैं आईडी, ठीक है। आई थिंक 5% या 3% भी बहुत है, बट मैंने 5% को यूज़ कर लिया। अब ये टोटल बन जाएगा मेरा 90%, क्योंकि 5% हो गया इंक्रीज़। एक बार यहाँ पे आकर के सेव एंड रिफ्रेश करते हैं तो आईडी आ गया। अब सारा लेफ्ट में खिसक गया, वो एक्चुअली इधर इधर आना चाहिए था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आओ, कॉपी करो, पेस्ट करो और पहला फील्ड कर दो आईडी। ये आईडी आपका ऊपर से कोई लिंक नहीं है इसका, ये आईडी आपका डेटाबेस में यहाँ से मैच करना चाहिए स्पेलिंग। अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आपके आईडी भी यहाँ पे फैच होकर के आ चुके हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो गार्बेज एंट्रीज़ है इसका रोल नंबर आप देख लो क्या है, रोल नंबर 2 है और साथ में रोल नंबर एक 6 है। ये मुझे नहीं चाहिए क्योंकि ये कचड़ा है ना यहाँ पे। तो आप सिंपली फ़िलहाल के लिए एक काम करो, एसक्यूएल में जाओ, डिलीट पे क्लिक करो, डिलीट फ्रॉम फॉर्म वेयर आईडी इक्वल्स टू 2। कोई सिंगल कोट कोई डबल कोट नहीं आएगा क्योंकि एक नंबर है ये, लास्ट में दे दो सेमीकोलन, प्रोसीड करो और यहाँ से हो जाएगा वो आपका रोल नंबर 2 डिलीट। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे रोल नंबर 2 डिलीट हो गया लेकिन ये रोल नंबर 2 बनना चाहिए था, इट मीन्स शॉर्ट होना चाहिए था वो रोल नंबर 1 2 3 4 5 6। बट ऐसा नहीं होता PHP में, ऑटोमेटिक तरीके से तो बिल्कुल नहीं होता। रियल लाइफ का एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको तो बेटर क्लियर होगा। अब ऐसा नहीं है कि हम इसको सही नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं शॉर्ट, लेकिन वो कोड बहुत कॉम्प्लेक्स है। मैं तो कर लूँ किसी तरीके से लेकिन उसको समझा पाना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो उस चीज़ को आप इग्नोर करें। कोई भी इसको शॉर्ट करके सही नहीं करता। शॉर्ट मतलब इलेक्ट्रिक शॉर्ट की बात नहीं कर रहा मैं, शॉर्टिंग सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ उस टाइप का, ठीक है, कि 1 2 3 4 ये फिर से हो जाए। अब देखो जब हम किसी क्लास में पढ़ते हैं स्कूल कॉलेज में तो हमें एक रोल नंबर दिए जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके 30-40 बच्चे। बीच में से एक बच्चा चला गया रोल नंबर 19, TC चला गया या शिफ्ट हो गया कहीं पे, वो चला गया हमारे स्कूल से हमारे क्लास से। तो टीचर क्या आपके रोल नंबर को एक एक आगे शिफ्ट करते हैं? नहीं करते, वो उतना ही छोड़ देते हैं। इवन आपका एग्ज़ाम रोल नंबर भी, कोई बच्चा कॉलेज छोड़ के ही चला गया हमेशा के लिए, फिर भी वो स्पेस हमेशा के लिए खाली रहती है, क्योंकि अगर उसको आगे शिफ्ट किया तो सारे डेटाबेस में पंगे लेने पड़ेंगे। एंड जो स्कूल की अटेंडेंस होती है वो रजिस्टर के ऊपर होता है, तो सबके नाम को कट कर करके वाइटनर लगा लगा करके, अब यहाँ पे मुझे रोल नंबर 2 करना पड़ेगा, रोल नंबर 2 पे केशव आएगा, हर एक पे वाइटनर लगाने वाला काम हो जाएगा। समझ रहे हो मैनुअली ये कितना कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा? तो टीचर्स इसको इग्नोर करते हैं। या तो जब वो पूरी एंट्रीज़ आपकी महीने की भर जाती है तो नए पेज पे जब वो बच्चों का नाम दोबारा लिखते हैं ना, तब वो कहते हैं कि बेटा अब आपका रोल नंबर आज से ये है क्योंकि एक बच्चा TC चला गया तो हमने आपको आगे शिफ्ट कर दिया। या फिर जब उनकी रजिस्टर पूरी भर जाती है ना, तब वो उस चीज़ को करेक्ट करके चलते हैं। बट वो इसको इग्नोर ही करते हैं जनरली, क्योंकि आपको अपने नेम स्लिप के ऊपर भी चेंजेस करना पड़ेगा, अब मेरा रोल नंबर ये हो गया। तो आप समझ सकते हो रियल लाइफ से रिलेट करके भी कि इसमें थोड़े से इश्यूज़ आ सकते हैं अगर हम इसको सही करने का सोचेंगे तो इसको आप टोटली इग्नोर करें, दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। तो इसी के साथ क्राउड ऑपरेशन के अंदर हमारा आईडी का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हुआ, जो कि हमें आने वाले 2 लेक्चर्स में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है और हमारे काम को आसान करने वाला है। मेरी पूरी कोशिश थी कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इसको समझा दिया जाए। एक बार यहाँ पे कोड फिर देख लो जो मैंने यूज़ किया है, सिंगल लाइन वाला जो मैंने कोड यूज़ किया है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये नहीं, ये रहा। यहाँ पे आपको इस तरीके से फील्ड के नेम के साथ इंसर्ट कराना है और आईडी को इंसर्ट नहीं कराना, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी और आपको समझ में आ चुका है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।